जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये जो समस्या है ये आजकल हर स्टूडेंट के मन में रहता है कि यार मैं तो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मैं इस कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ आता है, इस एग्ज़ाम को तो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं, या मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, या मेरे से अच्छा वो है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वॉट इज़ दिस? क्या हमारी लाइफ अपने आप को ही डिग्रेड करने के लिए बनी है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपसे बहुत ज़्यादा है? एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि सीखी नहीं जा सकती। अगर आपका फ्रेंड कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा है तो आप भी हो सकते हैं। अगर आपका दोस्त मैथमेटिक्स में अच्छा है तो आप भी हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है विल पावर। सबसे पहले आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और जिस दिन आपने अपने आप को समझा लिया कि मैं कर सकता हूँ, आप वो कर जाएंगे। हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हमने आज सोचा कि मुझे इस कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है और मैंने आज पढ़ना शुरू करा, मुझे एक दो क्वेश्चंस नहीं आए समझ में और मैंने हार मान ली कि नहीं, दिस एग्जाम इज नॉट मेंट फॉर मी। इज दिस द राइट एटीट्यूड? हम हमेशा बात करते हैं एटीट्यूड की, ये भी एक एटीट्यूड ही है जिसको कहते हैं क्विटिंग एटीट्यूड। मैं आप लोगों से कहूंगा कि कभी भी अपनी तुलना दूसरे से ना करें। आपकी जो लड़ाई है वो आपसे है, और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं। तो कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और परफेक्शन कब आ जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर असीमित शक्तियाँ हैं, उसको जानिए, उसको समझिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस विल पावर चाहिए, और कभी भी अपने को किसी से कम नहीं समझना। धन्यवाद दोस्तों।